नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 18 जुलाई को होने वाली बिहार कैबिनेट की बैठक टली। इस दिन से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र, जाने कार्यक्रम। साक्षरता दर में पिछड़ा बिहार। सक्षमता परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद अब इस दिन से होंगे डॉक्यूमेंट के जांच। मोहम्मद शमी की भारतीय टीम में जल्द हो सकती है वापसी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 18 जुलाई को होने वाली बिहार कैबिनेट की बैठक टली। निदेश कैबिनेट की बैठक 18 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन अब ये बैठक 19 जुलाई को होगी। 19 जुलाई को सचिवालय के कैबिनेट हॉल में सुबह 11:30 बजे कैबिनेट का बैठक आयोजन होगा। इस दौरान नीतीश सरकार कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है। विधानसभा चुनाव की चर्चाओं के बीच नीतीश कैबिनेट की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने लाखों युवाओं से रोजगार और नौकरी का वादा किया है। ऐसे में इस कैबिनेट बैठक में रोजगार और नौकरी से संबंधित कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। सीएम नीतीश और बिहार राज्यपाल ने मुहर्रम के अवसर पर प्रदेशवासियों को दिया संदेश। सीएम नीतीश और राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने मुहर्रम के अवसर पर संदेश दिया है, जहां बताया गया है कि ये इस्लामिक कैलेंडर वर्ष का पहला महीना है। मुहर्रम की 10वीं तारीख हजरत इमाम हुसैन के उस शहादत की याद दिलाती है, जो सच्चाई और ईमान के रास्ते पर चलते हुए नफरत और जुल्म के खिलाफ हुई थी। इस दिन त्याग, बलिदान, धर्म और अपने सिद्धांतों के लिए शहीद होने वाले के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट कर उनकी पावन स्मृति को ताजा किया जाता है और ये संदेश दिया जाता है कि त्याग, बलिदान और निष्ठा का मार्ग ही सन्मार्ग है। मुहर्रम सच्चाई की राह पर चलते हुए हर तरह की कुर्बानी की प्रेरणा भी देता है। आगे अपने इस संदेश में सीएम नीतीश और राज्यपाल ने जनता से आग्रह किया कि वे शांति के साथ इसे मनाएं और समाज में सद्भाव और अमन चैन बनाए रखें। इस दिन से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र, जाने कार्यक्रम। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। ये सत्र 5 दिवसीय है, इसलिए 22 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा। मानसून सत्र में विधानमंडल के दोनों मंडलों, विधानसभा और विधान परिषद में 5-5 बैठकें होंगी। इसमें प्रथम अनुपूरक बजट दोनों सदनों में 22 जुलाई को पेश किए जाएंगे। इस अनुपूरक बजट पर विधानसभा में 25 को और विधान परिषद में 26 जुलाई को मुहर लगेगी। वहीं 26 जुलाई को ये विधान परिषद में पारित होगा। राज्यपाल दोनों सदनों में पहले दिन स्वीकृत अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों को सदन पटन पर रखेंगे। फिर वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य 23 और 24 जुलाई को होंगे। वहीं विधान परिषद में गैर सरकारी संकल्प 23 जुलाई को पेश होंगे। उसके बाद अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और मतदान 25 जुलाई को होगा। इस दौरान विनियोग विधेयक पर भी मुहर लगेंगे। फिर सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे। राज्य के ताती तंतवा जाति को नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का लाभ। बिहार में मौजूद ताती तंतवा जाति को पहले की तरह ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में ही रखा जाएगा और इसी की उन्हें सुविधा मिलेगी। इन्हें अनुसूचित जाति का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार के 1 जुलाई 2015 को जारी संकल्प को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसे निरस्त करते हुए कोर्ट ने कहा है कि संकल्प जारी होने के बाद ताती तंतवा को अनुसूचित जाति मानकर जो लाभ दिए गए हैं, उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में वापस कर दिया जाए। जिन्हें इसका लाभ मिला, वैसे ताती तंतवा के उम्मीदवारों को राज्य सरकार उचित उपाय करते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग की मूल श्रेणी में समायोजित करे। आपको बता दें कि आर्टिकल 341 के तहत राज्य को अनुसूचित जाति की सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। बावजूद इसके बिहार सरकार ने ऐसी लिस्ट में दूसरी जाति जोड़ा, जिसे अब अदालत ने भी अवैध करार दे दिया है। सीएम नीतीश ने बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय व मेट्रो परियोजना का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने की योजना एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे सीएम नीतीश, जहां उन्होंने मेट्रो और दोनों संग्रहालय का निरीक्षण किया। कैबिनेट बैठक में संग्रहालय के प्रोजेक्ट के लिए पिछले वर्ष नीतीश सरकार ने 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। दोनों संग्रहालय को जोड़ने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबे सुरंग का निर्माण होगा। टनल निर्माण के बाद पर्यटक आसानी से एक संग्रहालय से दूसरे संग्रहालय जा सकेंगे। संग्रहालय घूमने आए दर्शकों को बैटरी चालित गाड़ी के माध्यम से घुमाया जाएगा। इस सुरंग का नाम विरासत सुरंग रखा गया है। साक्षरता दर में पिछड़ा बिहार। बिहार में एक तरफ जहां राज्य सरकार साक्षरता दर बढ़ाने का वादा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के मामले में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर लड़खड़ाता नजर आया है। दरअसल बिहार को शिक्षा के मामले में SDG इंडेक्स पर
सबसे निचले पायदान पर 36वां स्थान हासिल हुआ है। एसडीजी इंडेक्स में 100 अंक निर्धारित हैं और बिहार को 32 अंक मिला है, जबकि पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। अर्थशास्त्री डॉक्टर अविरल पांडे ने इसे लेकर बताया है कि प्राइमरी स्कूलों में छात्र नामांकन तो ले रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे ऊपर के क्लास में पहुँच रहे हैं, वैसे वैसे ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ रही है। क्वालिटी एजुकेशन के मामले में भी बिहार निचले पायदान पर है, सरकार को चिंतन करने की जरूरत है। सक्षमता परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद अब इस दिन से होंगे डॉक्यूमेंट्स की जांच। सक्षमता परीक्षा के परिणाम की घोषणा की जा चुकी है, अब नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। परिणाम की घोषणा के बाद अब इन शिक्षकों के कागजात की जांच होगी। इन कागजातों की जांच शिक्षकों को आवंटित जिले के DRCC ऑफिस में किया जाएगा। इन डॉक्यूमेंट्स की जांच 5 स्लॉट में होंगे, जिसमें पहला स्लॉट सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है, फिर दूसरा 10:30 बजे से 12 बजे तक, फिर तीसरा 12 बजे से 1:30 बजे तक, 1:30 बजे से 3 बजे तक और 3 बजे से 4:30 बजे तक है। आपको बता दें कि उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के कागजातों की जाँच 1 अगस्त से होगी। वहीं 2 अगस्त से माध्यमिक शिक्षकों की जांच होगी, 3 अगस्त से स्नातक कोटि के शिक्षकों की जांच होगी, 5 अगस्त से मूल कोटि के उर्दू या बंगला और शारीरिक शिक्षकों की जांच होगी, वहीं 6 अगस्त से मूल कोटि के सामान्य शिक्षकों के कागजातों की जांच होगी। अब इसमें अभ्यर्थी को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन सा स्लॉट मिलेगा, इसका निर्णय मुख्यालय स्तर से लिया जाएगा, जिसे विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इग्नू में भरी नामांकन की आखिरी तारीख। जो छात्र अपनी पढ़ाई डिस्टेंस से करना चाहते हैं, उनके लिए इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय सबसे बढ़िया ऑप्शन में आ सकता है। तो इग्नू में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे जिन छात्रों ने अभी तक अपना नामांकन नहीं करवाया, वो 31 जुलाई तक करवा सकते हैं। पहले इसके नामांकन की आखिरी तारीख 15 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। नामांकन के लिए आप इसके वेबसाइट ignoadmission.samarth.edu.in पर जा सकते हैं। यहाँ आपको PG स्नातक, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा कोर्स में आप प्रवेश ले सकेंगे। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रिजल्ट को लेकर आया अपडेट। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रिजल्ट को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने अपडेट दिया है। उन्होंने बताया है कि रिजल्ट आने में देरी होगी। रिजल्ट की घोषणा सरकार से आदेश प्राप्त होने के बाद और आरक्षण रोस्टर क्लियर होने के बाद ही किए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधान शिक्षकों के 40,000 और प्रधानाध्यापक के 6,000 पदों पर परीक्षा ली गई थी। प्रधान शिक्षक के 40,000 पद के लिए करीब 1,25,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। वहीं प्रधानाध्यापक के 6,000 पद के लिए 25,000 शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए थे। बिहार में शराब तस्करी का एक और अनोखा मामला आया सामने। बिहार में शराब तस्करी का एक बार फिर से अनोखा मामला सामने आया है। शराब तस्करी का ये मामला पश्चिम चंपारण के बगहा पुलिस जिला के धनहा थाना क्षेत्र से आया है, जहां यूपी से पिकअप पर अचार के डब्बे में नीचे छिपाकर लाई जा रही बियर की खेप को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। इस दौरान 3 शराब तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई है। जब्त हुए ये बियर 17 कार्टून में रखे गए थे, जिनकी मात्रा करीब 202 लीटर थी। पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। नीति आयोग का हुआ पुनर्गठन। बिहार के कई सहयोगियों को मिली जगह। मंगलवार को नीति आयोग का पुनर्गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहीं उपाध्यक्ष के रूप में सुमन के बेरी को चुना गया है। इसमें बिहार से भी कई सहयोगी दलों को जगह मिली है, जिसमें विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पर जीतन राम मांझी, ललन सिंह, चिराग पासवान शामिल हैं। नीति आयोग को लेकर राष्ट्रपति भवन ने एक विज्ञप्ति जारी किया है, जहां कहा गया है कि कैबिनेट सचिवालय की अधिसूचनाओं के क्रम में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति आयोग के संशोधित गठन को मंजूरी दे दी है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार से की ये मांग। बिहार भी अन्य राज्यों की तरह विकसित राज्यों की श्रेणी में आए, इसे लेकर बिहार के डिप्टी CM और BJP नेता ने भी केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि PM के दिल में भी बिहार के प्रति लगाव है। राज्य को पहले भी पैकेज और अन्य सुविधाएं मिली हैं। मोदी सरकार इस बजट में भी बिहार पर विशेष ध्यान देगी, ये उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर बिहार को क्या क्या जरूरत है, ये मांग की जा चुकी है। हमें पूरा भरोसा है कि बिहार सरकार की मांगों पर केंद्र सरकार सकारात्मक तरीके से विचार करेगी।
राजद द्वारा बीजेपी की बी टीम बताने और इनके एमवाई समीकरण पर प्रशांत किशोर का बयान आया सामने। राजद द्वारा जनसुराज को बीजेपी की बी टीम बताया गया था और राजद के एमवाई समीकरण पर अब प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आने वाले दिनों में लालटेन ही बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। आज बिहार में जिस समुदाय को डरा रहे हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, ये वही किरासन तेल है जिस दिन माइनॉरिटी के साथ ही निकले कि लालटेन बुझ जाएगा। आपने देखा होगा कि अभी रुपौली में चुनाव हुआ, लोग मुझे पदयात्रा करते समय ज्ञान देते थकते नहीं है कि बिहार एमवाई समीकरण है, एनडीए का समीकरण है। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि जाति धर्म पर वोट नहीं पड़ता है, कुछ लोग मानने को तैयार नहीं होते। नतीजा क्या हुआ आपने देखा होगा, रुपौली में 14,000 से 15,000 यादव रहते हैं और 45,000 मुसलमान रहते हैं, मगर राजद के उम्मीदवार बीमा भारती को 30,000 वोट आए हैं। आज वो रुपौली में तीसरे स्थान पर आई हैं। कहाँ गया एमवाई समीकरण? बिहार में लोग कहते हैं कि अभी अति पिछड़ा समाज के लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, तो फिर कहाँ गया कलाधर मंडल? करीब करीब गंगोत्री समाज के लोग 80,000 हैं। यही कारण है कि मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। रोहिणी आचार्य ने कई मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार पर कसा तंज। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार पर जमकर तंज कसा है, जहां उन्होंने बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अफसरशाही और भी कई मुद्दों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार में नैतिक तौर पर टूटे निजाम का शासन है, सरकार की हर साख पर एक एक नक्कारा लाचार बैठा है। अवसरवादिता के पुरोधा आत्ममुग्ध श्री नीतीश कुमार जी व भाजपा के मिली भगत वाली फेल डबल इंजन की सरकार की सरपरस्ती में बिहार बेपटरी हो चुका है। मूलभूत व्यवस्थाएं बदहाल हैं, अफसरशाही सरकार चलाने वालों और विधायिका पर हावी है, संरचनाओं को भ्रष्टाचार का दीमक चाट कर घोखला कर रहा है। कानून व्यवस्था अपराधियों के रहमो करम पर है। सतत व समग्र विकास के मानकों पर खुद को साबित करने में सरकार विफल है। मोहम्मद शमी की भारतीय टीम में जल्द हो सकती है वापसी। इंडियन क्रिकेट टीम में मोहम्मद शमी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। शमी को लेकर यह अपडेट सोशल मीडिया के जरिए मिला है। शमी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें देखा गया है कि वे नेट्स में बॉलिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में शमी पूरी तरह से फिट भी दिखाई दे रहे हैं। नेट्स में मोहम्मद शमी का वापस आना भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज होने वाली है जिसमें पूरी उम्मीद है कि मोहम्मद शमी भारतीय टीम में वापसी करें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दें उनके नाम है राजकिशोर महतो, गोनर शर्मा, रंजीत मिश्रा, सादुल्लाह पालवी, रवि कुमार राम, विजेंद्र कुमार, बाबूलाल मरांडी, प्रेम कुमार पटेल, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद साकिर हुसैन, संध्या कुमारी, छोटू राजा, जितेंद्र कुमार सहनी, मोहम्मद असगर कमाल, रंजन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है मोहम्मद शमी की भारतीय टीम में वापसी से टीम को कितना फायदा होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।